हेलो गाइस, मैं हूं विद्याशंकर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और इस करंट अफेयर्स में आज हम कवर करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सबसे पहले करंट अफेयर्स पर। आज का जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो ये है कि US गवर्नमेंट ने WHO को हर साल की दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया है, क्योंकि WHO ने COVID-19 के स्प्रेड होने की इन्फॉर्मेशन को हर एक कंट्री को नहीं बताया, यानी ग्लोबली नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 14 को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अब WHO को फंडिंग नहीं करेगा। हम की नोट्स पे ध्यान देते हैं। अमेरिकन टैक्सपेयर हर साल 400 से 500 मिलियन डॉलर WHO को पे करते हैं और चाइना हर साल 40 मिलियन डॉलर या फिर उससे भी कम WHO को पे करता है। तो दोस्तों, ये है हमारा की नोट्स जो हमें ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर्स की तरफ। वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो माइक्रो लोन्स थे उनके लॉस कवरेज को बढ़ा के 50% से 75% कर दिया है। और इसका मेन एम ये है कि जो भी माइक्रो बिजनेस पे इसका कोरोना वायरस का आउटब्रेक का लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट पड़ा था वो बैलेंस हो जाए। और इसके की नोट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो जो भी गवर्नमेंट हर साल एक्स्ट्रा चार्ज करती थी जैसे कि फाइन, वो इस साल चार्ज नहीं होने वाला है। और जो भी हर साल अमाउंट 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था वो इस साल रिड्यूस होकर 3% हो गया है। और जो भी लोन्स SHG के अंडर में सैंक्शन हुए थे, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर में जो भी 10 लाख से 20 लाख के बीच में सैंक्शन हुए थे जो और कमिंग ईयर 2020 से 21 के अंडर में थे, सभी को फर्स्ट ईयर की लॉस गारंटी मिलेगी जो कि रहेगी 0, यानी कोई भी लॉस नहीं होगा उनको। और जो सेकेंड ईयर में रहेगा वो 75% पर एनम के हिसाब से उनको लॉस कवरेज मिलेगा। ये हमारा की पॉइंट था दोस्तों, इसे आपको याद रखना है, तीनों के तीनों की पॉइंट्स। हम बढ़ते हैं आप आज अपने थर्ड करंट अफेयर्स की तरफ। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह ने नेशनल लिस्ट लॉन्च किया है जो कि कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए है। और इसका मेन एम ये है कि जितने भी इंडिया के हर एक स्टेट में कल्चरल हेरिटेज हैं, सभी के लिए हर एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सभी को अवेयरनेस मिल सके और उनका प्रोटेक्शन हो पाए। इसके की पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये लिस्ट का विजन जो बनाया गया है वो 2024 का बनाया गया है और इसे कल्चरल मिनिस्ट्री ने बनाया है। और ये संगीत नाटक एकेडमी SNA और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये बनाया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो 2013 में एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था जो अभी तक चल रहा है, उसका नाम था सेफ गार्डिंग द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये दोनों की पॉइंट्स हमें याद रखना है। हम अपने फोर्थ करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लॉकडाउन 2.0 के लिए कलर कोड फॉर्मुलेट किया है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो जहां पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव केस हैं उन्हें रेड जोन, जहां पे मुश्किल से कोई एक केस निकला है उसे ऑरेंज जोन, और जो पूरी तरह से सेफ है उसे ग्रीन जोन बनाया है। जहां पे भी 6 केस से ज्यादा या फिर 6 केस निकल गए उस प्लेस को हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट या फिर रेड जोन बना दिया जाता है। हम अपने की पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं कि जिस भी जोन में ऐसे पॉजिटिव केसेस आते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है और उसे एपिसेंटर कंटेन किया जाता है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस ही अवेलेबल रहती हैं। और बफर जोन भी बनाया गया है। बफर जोन यानी सेवर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ये यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से गवर्नमेंट मॉनिटर करती है हर एक इंसान को वहां पे। तो दोस्तों, ये दोनों हमें जो कलर्स थे, कलर्स के नाम किस बेस पे वो कलर दिए जाते हैं ये हमें याद रखना है, और ये दोनों की पॉइंट्स हमें याद रखना है। हम बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट करंट अफेयर्स पे। राजस्थान इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऐसा बन गया है जिसने रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट किया है COVID-19 के लिए। और वहां का जो हेल्थ सेंटर है तोपखानदेश जो कि जयपुर में है, अभी उसने रिसेंट में ही 52% को टेस्ट किया है इस रैपिड टेस्टिंग से और सभी के सभी COVID-19 निगेटिव पाए गए हैं।
रैपिड टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों वो जानते हैं हम। रैपिड टेस्टिंग में जैसे हम डायबिटीज पेशेंट को टेस्ट करते हैं ब्लड सैंपल लेके और उसका रिजल्ट इंस्टेंट आ जाता है, वैसे ये भी सेम होता है। ये कोई कंफर्मेशन टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये एक क्विक आइसोलेशन के लिए हेल्प करता है और कोविड 19 पॉजिटिव को स्प्रेड होने से रोकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो करंट अफेयर्स, ये लास्ट वाला मैंने बताया। इसमें हमें उस हेल्थ सेंटर का नाम याद रखना है, उसका प्लेस याद रखना है और रैपिड टेस्टिंग क्या होता है वो भी हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इसका हेल्प मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।